तू ख्वाब न कर खावा आजूंगा। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। ऐसी वीडियो बनाने के लिए सिंपली आपको VN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, ये वीडियो लड़की और लड़के दोनों का बन सकता है, दोनों के फोटो का बन सकता है। इसके लिए सिंपली आपको VN एप्लीकेशन ओपन करना होगा, फिर प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, फ़ोटोज़ में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कम से कम 13 से 14 फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। मैं कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको एयर वाले आइकन में क्लिक करना है, ओरिजिनल में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 9x16 का रेशो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक वाले आइकन में क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, स्टार्ट फ्रॉम वीडियो में क्लिक करना है और आपको ये वीडियो ऐड कर लेना है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर ले। तो मैं वीडियो ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ओके में क्लिक करना है। तो हमारा ऑडियो वीडियो से बाहर निकल के आ चुका है। सिंपली आपको चूज में क्लिक करना है, म्यूजिक बीट में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट बीट 1 सेकंड में ऐड करनी है। यहाँ पे स्क्रॉल करके इसे 1 सेकंड में बीट ऐड कर लेनी है। अगली बीट आपको 1.5 सेकंड में ऐड करनी है। अगली बीट आपको 2 सेकंड में ऐड करनी है। इस प्रकार आप 0.5 सेकंड से बीट को ऐड कर ले, कुछ इस प्रकार। बीट ऐड करने के बाद सिंपली आपको राइट वाले आइकन में क्लिक करना है, फिर राइट में क्लिक करना है और अब आपको बीट के हिसाब से फोटो को एडजस्ट करना है। इसके लिए आप थोड़ा वीडियो लेयर को, अरे कहना क्या चाहते हो, थोड़े फोटो लेयर को जूम कर ले ताकि हमें फोटो एडिट करने में आसानी हो। हमारे मतलब बाप को मत सिखा। तुम्हारी फर्स्ट बीट यहाँ पे है तो हम फोटो को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अगले फोटो को अगली बीट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। फिर अगले फोटो में आना है, फिर अगले फोटो में आना है, अगले फोटो को अगली बीट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं ऐसे स्क्रॉल करके। इस प्रकार आप सभी फोटो को एडजस्ट कर ले बीट के हिसाब से। मैं कर लेता हूँ। फोटोज को एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको ब्लैक लेयर को डिलीट कर देना है। फिर आपको वीडियो को फर्स्ट में आना है, एफेक्ट्स में क्लिक करना है और फर्स्ट वाली पिक्चर में ब्लैक वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है और राइट में क्लिक करके बंद कर देना। अगली पिक में आना है, एपेक्स में क्लिक करना है और इसमें आपको सिंपली जूम आउट वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। अगली पिक में आना है, एपेक्स में क्लिक करना है और इसमें आपको जूम इन वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है और राइट में क्लिक करके बंद कर देना है। फिर अगली पिक में आना है और इसमें आपको जूम आउट वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। अगली पिक में आना है और इसमें आपको जूम इन वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो इस प्रकार आपको एक पिक में जूम आउट वाला इफेक्ट का ऐड करना है और एक पिक में आपको जूम इन वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। इफेक्ट ऐड करने के बाद सिंपली आपको राइट में क्लिक करना है। तो हमारा वीडियो बन के हो चुका है तैयार। तो मैं इसे आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। फिर सिंपली आपको एक्सपोर्ट में क्लिक करना है और राइट में क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल।